नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज का हमारा जो वीडियो है, इसमें हम कॉपर ट्रेड के छात्रों के लिए ई कॉमर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए लेकर के आए हैं। ये सभी प्रश्न मैंने पुराने पेपरों से लिए और हिंदी में उन्हें कन्वर्ट कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना ज्यादा समय लिए। तो सबसे पहला सवाल है, अमेजन किस प्रकार की ई कॉमर्स है? तो अमेजन जो वेबसाइट है जिससे आप जो ऑनलाइन सामान खरीदते हैं उस वेबसाइट से, तो वो किस प्रकार का बिजनेस मॉडल है? तो अमेजन वेबसाइट क्या करती है, सामान बेचती है किसको? कस्टमर यानी कंज्यूमर को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिजनेस टू कंज्यूमर। वो बिजनेस करती है किसके साथ? कंज्यूमर के साथ, कस्टमर को प्रोडक्ट बेचती है। तो बिजनेस टू कंज्यूमर ये एक ई कॉमर्स मॉडल है। दूसरा प्रश्न है, भौतिक रूप से किसी दुकान पर आए बिना वस्तुओं की बिक्री या खरीद को क्या कहते हैं? यानी कि फिजिकल रूप से आप किसी दुकान पर नहीं जाते हैं और किसी भी सामान को खरीदते या बेचते हैं अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उसे हम ई कॉमर्स कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। तीसरा प्रश्न है, ई कॉमर्स बिजनेस प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजोन, ईबे आदि का स्कोप कौन सा है? तो अमेजोन और ईबे, इनका स्कोप, स्कोप का मतलब है कि इनका क्षेत्र कहां तक फैला हुआ है, ये बिजनेस कहां तक कर सकती हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ग्लोबल, यानी कि पूरी दुनिया में जो है इनका बिजनेस फैला हुआ है, पूरी दुनिया तक इनका बिजनेस फैलाया जा सकता है। तो ऑप्शन सी यहां पर आपका सही है। चौथा प्रश्न है, ई कॉमर्स में सी और डी का पूर्ण रूप क्या है? तो ई कॉमर्स, जब भी आप वेबसाइट से कोई सामान परचेज करते हो तो आपको आपको ऑप्शन मिलते हैं इंटरनेट बैंकिंग का, ठीक है, डेबिट कार्ड से आप जो पेमेंट कर सकते हैं, इसके अलावा आप सी ओ डी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सी ओ डी में होता क्या है, इसे हम कैश ऑन डिलीवरी कहते हैं, यानी कि जब आपको सामान मिलता है तो उस समय आप उसकी पेमेंट करते हो। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है चौथे प्रश्न का। पांचवा प्रश्न है, इनमें से ई कॉमर्स साइट कौन सी है? ई कॉमर्स यानी कि जहां पर इलेक्ट्रॉनिकली जो है बिजनेस किया जाता है, सामान बेचा जाता है, तो याहू, बिंग और गूगल, ये तीनों क्या है? ये तीनों साइट जो है एक तरह के सर्च इंजन है जहां पर आप जो है जाकर के इंफॉर्मेशन को, जानकारी को सर्च करते हो। लेकिन अमेजन जो है वो एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, जो कि ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही है। छठा प्रश्न है, जो एक ऑनलाइन भुगतान है, कई बार आपने सुना होगा कि जब भी हम कोई पेमेंट करते हैं तो हम उसका भुगतान करते हैं, यानी कि पेमेंट करते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि भाई आप पेमेंट गूगल पे से करेंगे, पेटीएम से करेंगे या भीम यूपीआई से करेंगे, ठीक है? तो पेटीएम क्या है, एक ऑनलाइन भुगतान है कि भैया मैं पेमेंट जो है वो पेटीएम से करूंगा। सातवां प्रश्न है, ई कॉमर्स में कौन सा मॉडल है अगर विक्रेता और खरीदार दोनों व्यवसायिक फर्म है, यानी कि बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों ही कंपनियां हैं, तो वो किस प्रकार का बिजनेस मॉडल होगा? तो वो एक बिजनेस टू बिजनेस मॉडल होता है, जो कि ऑप्शन सी यहां पर आपका सही है। आठवां प्रश्न है, ई कॉमर्स में कौन सा विकल्प चेकआउट भुगतान तक चयनित उत्पादों को रखने में मदद करता है? यानी कि ई कॉमर्स, यानी कि जैसे अमेजन वेबसाइट है या फ्लिपकार्ट है, तो उन वेबसाइट पर एक ऑप्शन होता है जिसे हम कार्ट कहते हैं। वो क्या करता है कि जिन प्रोडक्ट को हम खरीदना चाहते हैं हम उनको ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। जब हम उनको चेकआउट करते हैं, जब उनकी पेमेंट करते हैं, तो वो प्रोडक्ट हमारे कार्ट से हट जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। यानी कि जब तक हमें सामान खरीदा नहीं है, सिर्फ हमने सेलेक्ट किया है कि हमें कौन कौन सा सामान वहां से परचेज करना है, तो वो हमें कार्ट में ऐड होते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है। नौवां प्रश्न है, कौन सा कार्ड बैंक खाते में उपलब्ध शेष राशि का उपयोग करके ऑनलाइन भुगतान की अनुमति देता है? कौन सा कार्ड होता है जो हमारे बैंक में जमा हुए पैसे का इस्तेमाल करके ऑनलाइन हमारा जो है पेमेंट कर सकते हैं जिसके माध्यम से? तो वो होता है हमारा एटीएम कार्ड। और एटीएम कार्ड को हम क्या कहते हैं, इसे हम डेबिट कार्ड भी कहते हैं, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। दसवां प्रश्न है, ओएलएक्स वेबसाइट का उद्देश्य क्या है? तो ओएलएक्स जो कि एक वेबसाइट है जहां पर आप सामान, पुराना सामान जो है खरीद बेच सकते हैं, तो ओएलएक्स क्या करता है, ये उत्पाद की खरीद और बिक्री का काम करता है, जो कि ऑप्शन बी यहां पर आपका सही है। तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।